स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वर्षा और आप सभी स्टूडेंट्स की फॉरेस्ट्री की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ थियोरी पोर्शन एंड साथ साथ में कुछ एमसीक्यूज। एज वी ऑल नो कि आप लोग का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो इस वक्त पे आप लोग का क्विक रिवीजन और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कंसेप्ट का क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड लेट मी इन्फॉर्म यू, एक बार जल्दी से ज्यादातर स्टूडेंट्स कनेक्ट कर जाइए और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए दैट द वॉइस इज ओके एंड द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू। आप सभी स्टूडेंट्स की ही प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए अभी 26 जनवरी को एंड 28 जनवरी को आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सेशन अरेंज किए जा रहे हैं ऑफ 2 आवर्स ईच। ठीक है, तो इन सब में जो भी आपके जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स मैं कवर कर रही हूँ, सभी तीनों सब्जेक्ट्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी, ऐसे ही आपके जो फैकल्टीज हैं वो भी लेकर आएंगी, जिसमें मेरा सेशन होगा शाम 3 बजे से 5 बजे। राइट, तो आप सभी स्टूडेंट्स उस सेशन में जरूर ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ साथ गाइस, आज मैं आप लोग के लिए जो फॉरेस्ट्री का सेशन लेकर आई हूँ उसमें फॉरेस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और कुछ पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर डिस्कशन होगा एंड देन द डिस्कशन विल बी ऑन द क्वेश्चन। राइट, वेरी गुड मॉर्निंग अजय मुकेश, जल्दी से भाई क्लास को ज्वाइन कर लीजिए एंड कमेंट करके बता दीजिए दैट एवरीथिंग इज ओके और नॉट। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे और साथ साथ में क्लास को लाइक भी फटाफट से आप लोग कर देंगे। सो हियर वी गो। सबसे पहले तो आज का बहुत ही सुंदर थॉट ये है कि डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। ये चीज है, आप लोग के पास समय बहुत कम है, आज 24 हो चुका है, तो गाइस 25, 26, 27, 28, 29 को आप लोग का एग्जाम है, तो 4 डेज इन बिटवीन। तो जब हम आप लोगों पर इतना एफर्ट करें तो यू शुड ऑल्सो डू एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक इट अ सक्सेस। अगर आपने प्री को क्वालिफाई किया है तो मेन्स को क्वालिफाई करने के लिए आपके एफर्ट डबल ट्रिपल टाइम्स होने चाहिए ताकि आपका रिजल्ट काफी अच्छा हो। तो हमेशा आपको प्रोग्रेस पे फोकस करना चाहिए, ना कि पेन पर। इसी के साथ साथ गाइज, हे यू कैन सी दिस इज अवर मोबाइल ऐप 24/7। आप हमारे मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अगर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करते हैं, हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सब भी फीचर्स यानी कि करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, क्विजेस, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, नोट्स एंड आर्टिकल एंड वीडियोस, ये सभी फीचर्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज फीचर्स यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन अ वेरी बेटर। राइट, इसी के साथ साथ गाइज, दिस इज अवर यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप लोग के लिए रेगुलर सेशन अरेंज होते हैं, तो प्लीज subscribe to our YouTube channel so that you will get all the classes notifications on time and साथ साथ में जो भी agriculture exam को लेकर आप target करना चाहते हैं, उस exam related जो भी notifications out हुई हैं, जो भी basic informations आपको चाहिए होते हैं, वो सभी आपको हमारे YouTube channel पर available हो जाएंगे। First of all, go and subscribe to our YouTube channel and press bell icon to get all the updates on time, right? And this is a batch, guys, complete foundation batch, जिसके बारे में हम class के end में और ज़्यादा detail में discuss करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए, 14th of Feb से start हो रहा है, 2023 के exam, 2023 के end में जो आपका pre होगा IBPS SOAFO का, उसके लिए तो इस बैच में एनरोल करने के लिए Y344 कोड यूज करेंगे, तो आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ इस बैच में एडमिशन मिल जाएगा। तो हेयर इज अवर थियोरी डिस्कशन फॉर टूडेज लेक्चर। ठीक है, थोड़ा सा थियोरी है, आई नो यू गाइज विल गेट, ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमको रिविजन करना है तो करना है, ठीक है, और आप लोग को बोर नहीं होना चाहिए, वैसे तो एग्जाम समय है तो रिविजन करना इज अ मस्ट थिंग। राइट, कमेंट करते रहेंगे साथ साथ में, जो भी आप लोग को एक्स्ट्रा पूछना है, क्वेरीज है, तो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट। तो है, यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं ट्री कल्टिवेशन को नॉन फॉरेस्ट एरियाज में डिस्क्राइब करने के लिए। सो फर्स्ट हमारी टर्म है फार्म फॉरेस्ट्री की। व्हाट डू यू मीन बाय फार्म फॉरेस्ट्री? फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है जिसमें आप क्या करते हैं, दिस इज अ फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इन विच वी प्रमोट कमर्शियल ट्री ग्रोइंग बाय फार्मर्स ऑन देयर ओन लैंड
ठीक है, अगर फार्मर अपने ही लैंड पर कमर्शियली ट्रीज को ग्रो कर रहा है, ठीक है, कमर्शियली ट्रीज को ग्रो कर रहा है अपनी फार्म लैंड पर, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने 1976 में आपका फार्म फॉरेस्ट्री को डिफाइन किया था कि दिस इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री, दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स इन एंड अराउंड द फार्म्स और विलेज लैंड्स। अगर फार्म और विलेज लैंड्स के अराउंड आप ट्रीज को ग्रो कर रहे हो इंटीग्रेटेड विद अदर फार्म ऑपरेशंस, तो साथ में आप दूसरे फार्म ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे हो, लाइक एग्रीकल्चर क्रॉप जो आपको ग्रो करना है वो तो आप ग्रो कर ही रहे हो, साथ में आप ट्री स्पीशीज को भी ग्रो कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फार्म फॉरेस्ट्री। राइट गाइज, ठीक है, क्लियर है। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री एज अ वर्ड डिफाइन, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करना है ना, एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंड करना। तो एक ऐसा एरिया है जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, जहां पर कोई ट्री ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, जो आपके कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया से काफी दूर है या फिर डिस्टेंट पर है, आप उस एरिया में ट्री ग्रोथ करना चाहते हो, आप उस एरिया में ट्री ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते हो, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। उसको गाइस हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहेंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया आपने इसको एक ऐसे लैंड एरिया पर जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, जहां पे कोई ट्री ग्रोथ नहीं है। राइट, अब एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री को फर्दर हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं कि जो आप ट्रीज लगा रहे हैं किसी ऐसे एरिया में जो कि आपका डिवॉइड ऑफ ट्रीज है, तो आप तीन तरह से आप एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन इज द मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर बेल्ट, थर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। ठीक है, तो मिक्स्ड फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, ये एक प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री है जिसमें आप एक एरिया पर जहां पर पहले कोई भी ट्री नहीं था, कोई भी स्पीशीज नहीं कर रही थी, आप वहां पर फोडर ग्रासेस लगा रहे हो, फोडर ग्रासेस के साथ साथ आप फोडर ट्रीज लगा रहे हो, फ्रूट ट्रीज लगा रहे हो, साथ में फ्यूल वुड ट्रीज लगा रहे हो सुटेबल वेस्ट लैंड्स पर, पंचायत लैंड्स पर या फिर विलेज कॉमन्स पर, जो भी आपकी वेस्ट लैंड्स है, पंचायत लैंड्स है, फिर विलेज कॉमन लैंड्स है, वहां पर अगर आप फोडर ग्रासेस, फोडर ट्रीज, फ्यूल वुड ट्रीज, फ्रूट ट्रीज एक साथ मिक्स लगा रहे हो, तो दैट विल बी योर मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। राइट, शेल्टर बेड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपकी एक आपने क्रॉप ग्रो कर रखी है, उस क्रॉप को नेचुरल कैलामिटीज या फिर नेचर के अंदर हल्का सा भी फ्लक्चुएशंस जो आते हैं कंडीशंस के अंदर, उसकी वजह से कोई डैमेज होने के चांसेस हैं, या फिर जब तेज विंड ब्लो करेगा, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा सनलाइट होगा, स्नो ड्रिफ्ट होगा, तो चांसेस हैं कि आपकी वो जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, ऐसे केसेस में अगर आप उस एरिया में कुछ ट्रीज को और श्रब्स को लगाएंगे, ठीक है, ट्रीज को श्रब्स को मेंटेन करेंगे, तो दैट विल बी योर शेल्टर बेल्ट। इसको हम क्या कहेंगे गाइस, शेल्टर बेल्ट्स कहेंगे। क्या कहा जाता है, शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, तो ये वो प्लांटेशन, अगर आप फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज को, ऐसी ट्री स्पीशीज हैं जिनका रोटेशन पीरियड काफी कम है, रोटेशन पीरियड काफी कम है, यानी कि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ही वो आपका अच्छे से ग्रो हो जाती है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ही। ठीक है, तो ऐसी फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज को अगर आप एक पीस ऑफ लैंड पर लगाएंगे, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। इज इट ओके गाइस, क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट, आपको कोई क्वेरी, यू कैन आस्क, यहाँ तक में जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, यू कैन आस्क। आई नो थियरी पोर्शन में आप लोग सबसे ज्यादा बोर भी तो हो जाते हो, ठीक है, क्वेश्चंस करा दो बस खुश रहेंगे, बट ये टर्म से जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो यू विल बी लाइक यार मैम ने तो ऐसा कुछ समझाया ही नहीं था। हाँ जी नमस्ते, कौन से ग्रह से हो आशीष मान? सैटर्न। चलो, तो रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जैसे हम रिहैब कैंप्स की बात करते हैं, ठीक है, वैसे आपकी जो लैंड एरियाज है वो डिग्रेड हो गई है, खत्म हो गई है। क्यों हो गई है? बिकॉज आपने वहां पे एक्सेसिवली क्रॉप को ग्रो कर लिया, नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू वेस्ट लैंड, क्योंकि सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो लॉस हो गई है, ठीक है, अब इस एरिया से कोई प्रोडक्टिविटी आपको ऑब्टेन नहीं हो रही है। अब ऐसे एरियाज में जहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो
इमीडिएट अटेंशन फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और सोशो इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए कम्युनिटीज की जो उस एरिया के अंदर या फिर एरिया के अराउंड रह रही है, ठीक है, जिस तरह की फोर्स प्रैक्टिस को आप फॉलो करते हो, दैट विल बी रिहैबिलिएशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट. उसको हम रिहैबिलिएशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री. रिक्रिएशन फॉरेस्ट को ही हम एवेन्यू फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं, इसी को ही हम एस्थेटिक फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं. मतलब अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आपका सिटी एरियाज में जो लोग रहते हैं उन लोग को इतना ज्यादा मतलब ट्रीज नहीं मिल पाते, ट्रीज देखने को नहीं होता है. रूरल पॉपुलेशन में भी जो आपका कम्युनिटी एरिया है, जो आपका रेजिडेंशियल एरियाज है, वहां पे इतना ट्री स्पीशीज तो कुछ होता नहीं है. तो ऐसे केसेस में अपने आप को हमेशा फ्रेशन अप करने के लिए, अपने आप को हमेशा मतलब आप कहेंगे अपनी ग्रोथ को हमेशा, क्योंकि हम जितना प्योर एयर में ब्रीथ करते हैं उतना ही ज्यादा हम अपना फ्रेश फील कर रहे, उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ अच्छी होती है. ठीक है, तो अगर हम फ्लावरिंग ट्रीज को, श्रब्स को मेनली ग्रो करने हैं, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन के लिए, चाहे वो रूरल पॉपुलेशन है चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन है, ताकि एक अच्छा सीनिक वैल्यू हो, साथ साथ में हमारी जो फ्रेश एयर हमें ऑब्टेन हो सके, जो हमें रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है टाइम टाइम पर, वो हमें ऑब्टेन हो सके, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री. हाँ, ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए. हाँ कुलदीप, ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए, एस्थेटिक वैल्यूज ऑब्टेन करने के लिए, एवेन्यू जो आपके ये पार्क्स होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, ठीक है, साथ में आपके कुछ गार्डन्स होते हैं, तो दैट ऑल कम अंडर रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री. ये कुछ वन लाइनर्स है गाइस, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है जिसको मैंने आज यहाँ पर इंक्लूड किया है. ठीक है, तो Hey, you can see guys, देखो ये कुछ वन लाइनर्स हैं एंड ये वन लाइनर्स की फॉर्म में मैं यहाँ पे आप लोग के लिए इंक्लूड कर रही हूँ, बट बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. ठीक है, जिनमें जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम लोग भी होते हैं, जब हम एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं तो हमसे कोई पूछते कि क्या क्वेश्चन आया था, तो हम क्वेश्चन आंसर के साथ ही बता देते हैं, हमें ऑप्शंस कुछ याद नहीं रहते हैं, या फिर हम क्वेश्चन बता देते हैं एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट द आंसर ऑप्शंस. आंसर पता होता है, ऑप्शंस के बारे में आइडिया नहीं होता है ना. तो ये ऐसे ही कुछ वन लाइनर कुछ स्टूडेंट्स ने जो प्रोवाइड किए थे उनको यहाँ पर हम कवर करते हैं, राइट. सो फर्स्ट इज ए सिस्टम वेयर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर प्रैक्टिसाइज्ड आइदर साइमल्टेनियसली और सेपरेटली ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड. अगर एक ही लैंड यूनिट पर आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को साइमल्टेनियसली एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट. नेक्स्ट हम सेकेंड वन लाइनर है, द एरिया अंडर फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, और अगर हम इसको फिलहाल बात करें तो इट इज अराउंड 24.62 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. वहीं पर आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग हमारे जियोग्राफिकल एरिया का 1/3 यानी कि नियर टू 33% एरिया जो है वो आपका फॉरेस्ट होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिमम एरिया, ये जो आपका रिक्वायर्ड है दैट शुड बी 33% एज पर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और जो भी आपके नॉर्म्स हैं, राइट. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया था, जिसको आप IFA, तो फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो आपका 1927 में एग्जिस्टेंस में आया था. नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसके साथ चलो तुम लोग आई नो अभी थोड़ा रेस्ट पे चले गए थे,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका 1980s में आया था, तो आपको बताना है कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट आपका कौन से ईयर में आया था। कुलदीप, ऋतिक, आशीष, मुकेश, अच्छा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, बताओ। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी, आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन जो एक्ट है, इट वॉज पास्ड इन विच ईयर, कौन से साल में आपका ये एक्ट आया था। आई डोंट थिंक कि आपको ऑप्शंस की रिक्वायर्ड है, बिकॉज हम इसको लेकर काफी बार काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि अभी इसको लेकर रिक्वायर्ड है कि आप लोगों से मतलब ये बताऊं मैं क्लियरली कि कब। यस, कुलदीप ने आंसर कर दिया है, द राइट आंसर इज 1986। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1986 में आपका पास हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है, विच इज नाउ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये आपका बड़ा हो गया स्कूल, अब बड़ा होकर रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया है। ठीक है, आपको बताना है कि ये आपका देहरादून में एस्टेब्लिश हुआ था, इन विच ईयर, इन 1906। ठीक है, नेक्स्ट है वन महोत्सव डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन 1st जुलाई, और वी कैन से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका वन महोत्सव होता है, राइट। एंड 1950s में आपका ये वन महोत्सव प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था बाय के एम मुंशी के, राइट गाइस। हाँ, 1906 है कुलदीप, नॉट 1905। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेट हैविंग हाईएस्ट, ये तो सबसे क्लियर क्वेश्चन है। अगर हम किसी स्टेट की बात करें जिसमें आपका फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है, तो इट इज इन एमपी, मध्य प्रदेश में गाइस आपका फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है। अगला है फॉरेस्ट टाइप फाउंड मैक्सिमम इन इंडिया इज, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट टाइप फाउंड होता है, दैट इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट टाइप हम देखेंगे तो दैट इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, सबसे ज्यादा आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। नेक्स्ट वन लाइनर है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफोरेस्ट्री NRCA, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफोरेस्ट्री आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका झांसी में सिचुएटेड है, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1988, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अब है जिसको आप सबसे ज्यादा वेट करते हो, जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, वो वाला सेशन है ना, दिस सेशन, ये वाला सबसे ज्यादा आप लोग का फेवरेट सेशन होता है गाइस, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज गाइस, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, The habitat of देवदार is, देवदार किस तरह की localities में सबसे ज्यादा grow करता है, Evergreen forest में, moist deciduous forest में, dry deciduous forest में and dry evergreen forest में। Now these are the questions, ठीक है, आज का session हमारा miscellaneous था, पहले हम लोगों ने कुछ definitions किए, उसके बाद हमने कुछ one liners किए, and now it's a turn for the questions, ठीक है, because exam is approaching near day by day, तो हम लोग का preparation strategy थोड़ा सा different होना चाहिए फिलहाल, ठीक है, इसलिए मैंने आपका आज miscellaneous session लिया, but I don't think कि आपको miscellaneous session में मजा आ रहा है, क्योंकि जितने students regularly classes में available रहे के questions के answer करते थे, उतने भी नहीं है, demand करते हो तुम लोग की theory कराओ, और जब theory कराई जाती है, तो you are like कि बस मैम बोर हो गए, है ना। Give the right answer quickly. The right answer for the question will be the moist deciduous forest, evergreen forest, dry deciduous forest and dry evergreen forest. The right answer is Devdar evergreen forest. Devdar को कभी आपने देखा है खाली खाली?
देवदार में हमेशा लीफ नीडल्स जो होती है ना वो रहती हैं। इट बिलोंग्स टू द फाइलम जिम्नोस्पर्मा एंड ऑलवेज हैव नीडल्स। पिनेसी फैमिली से ये भी बिलोंग करेगा, तो इट नेवर गो एवरग्रीन, इट नेवर ग्रो आपका डेसिडुअस, ठीक है। फाउंड इन बेसिकली टेम्परेट रीजन, इंडिया में टेम्परेट रीजन में आपको मिलता है, ये मिलता है, और टेम्परेट रीजन में भी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। एंड देवदार का अगर हम साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम जिसको हम बोलते हैं देखें, तो दैट इज सेड्रस देवदारा। फिर ना तो लाइक करो ना शेयर करो, कम से कम मेरे लिए आज स्टेटस लगा दो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना अपने मोबाइल फोन में, स्टेटस में आज की क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। टेलीग्राम पर शेयर कर दो, ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई दोस्त नहीं होगा यहाँ वहाँ, और मुझे इन्फॉर्म करो कहीं ना कहीं। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द सोशल मीडिया, दे आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड प्लीज शेयर मी दैट कि हाँ आपकी क्लास को हमने यहाँ शेयर किया था, आपने जब बोला था उसके बाद पहले नहीं। इन्फॉर्म भी करो मुझे। लैटिन नेम फॉर ब्लैक बग, ब्लैक बग के लिए लैटिन नेम क्या है, और वी कैन से देखो यार ये लैटिन नेम, और इसी को ही हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। अच्छा बगल में ही है, मुकेश कहाँ से हो आप, कौन से स्टेट से हो। एंटीलोप सर्विकाप्रा, ठीक है, ब्लैक बग को एंटीलोप सर्विकाप्रा बोला जाता है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए। अगला क्वेश्चन है टिक द ओल्ड मैन आउट या फिर ओल्ड वन आउट, आपको इनमें से बताना है कि जो कंपैरेटिवली डिफरेंट है, इसी सीक्वेंस का नहीं है, ग्रोथ स्टेजेस ऑफ ट्री, और सीक्वेंस बता दे तो और अच्छा है। ओके यू आर फ्रॉम द देवभूमि उत्तराखंड, दैट्स गुड टू नो, अच्छा लगा सुन के। मेरा भी ग्रेजुएशन मतलब वही होता है ना, जैसे आपसे कोई पूछे कि कोई बोल दे कि आई एम फ्रॉम हिसार हरियाणा, तो मैं बोलती हूँ कि मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। कोई मुझे बोले कि आई एम फ्रॉम मतलब मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, तो वी आर लाइक कि मेरा भी ग्रेजुएशन वहां से हुआ है। कोई बोले कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं कहा मैं भी मतलब इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय लाइफ जो है वो राजस्थान से है। तो वी ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट, ठीक है, एंड दैट्स कॉल्ड इंडिया और दैट्स कॉल्ड आवर मतलब कल्चर, कि वी ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट। अगर हम हमारे सामने कोई एक हम ऐसा वर्ड्स अपन बोल देते कि अपन ऐसा करेगा अपन वैसा करेगा, तो वी फील कनेक्टेड विद द साउथर्न स्टेट पीपल, ठीक है। तो दिस इज अ वे एंड दिस शुड बी गाइस, आपको कल के दिन AFO बन के कहीं पर भी सर्व करने के लिए बोल दिया जाए, तो अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो हाउ विल यू सर्वाइव दे। तो वन शुड ऑलवेज हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट विद द पीपल, कनेक्ट विद द एटमोसफेयर, कनेक्ट विद द सब्जेक्ट, इवन इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, यू वॉन्ट टू क्रैक एन एग्जाम, तो यू शुड फील कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट फर्स्ट थिंग। हाँ यस मेरा ग्रेजुएशन है, मेरी लाइन चिपका दो यहाँ। तो सबसे बताओ थर्ड क्वेश्चन का आंसर, बातें बाद में, थर्ड क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड विल बी गाइस, सबसे पहली स्टेज जो होती है दैट इज सीड। आपने सीड सो किया एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग, सीडलिंग से इट विल बी फर्दर डेवलप इनटू अ सैपलिंग, सैपलिंग से आपकी पोल स्टेज आएगी एंड पोल स्टेज से फाइनली आपका ट्री फॉर्म। तो यंग टिम्बर नाम का कोई टर्म नहीं होता है, ठीक है, डिस्कशन करेंगे इस पर भी। पोल इज अ स्टेज ऑफ द ट्री, अजय पोल इज अ स्टेज, यंग टिम्बर कोई स्टेज नहीं होते। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में रहता है, पोल इज अ स्टेज, सबसे पहले है सीड, फिर है सीडलिंग, फिर है आपका सैपलिंग, फिर है आपका पोल एंड देन द अडल्ट ट्री, यंग मतलब अडल्ट ग्रोथ ग्रोइंग ट्री और जो भी आता है। तो यंग टिम्बर इज नॉट अ स्टेज, ठीक है, हर कोई ट्री से टिम्बर थोड़ी ना ऑब्टेन होता है। चूज द बेस्ट ट्री स्पीशीज फॉर कोस्टल रिफोरेस्टेशन, अगर आपको कोस्टल एरियाज में समुद्र तट, ठीक है, आपको एफोरेस्टेशन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय एफोरेस्टेशन। पहली दफा अगर आप फॉरेस्ट ग्रो करना चाहते हैं किसी एरिया में, फॉरेस्ट ग्रो करना चाहते हैं किसी एरिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो इसे हम क्या, ये कौन सी स्पीशीज को हम वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट ग्रो किसी एरिया में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कौन सी स्पीशीज
बेस्ट ट्री स्पीशीज हैं एल्बिजिया लेबेट, एजार्टिरेक्टा इंडिका, केजुरियाना इक्विसेटिफोलिया या फिर आपका यूकेलिप्टस टेरिटिकॉर्निस। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी, इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होगा, चूज अ बेस्ट ट्री स्पीशीज फॉर कोस्टल एफोरेस्ट्रेशन, एल्बिजिया लेबेट, एजार्टिरेक्टा इंडिका, केजुरियाना इक्विसेटिफोलिया या फिर आपका यूकेलिप्टस टेरिटिकॉर्निस, बताइए। मतलब तो कल मैम दो ऑप्शंस दे दिए, चूज कर लेना, ठीक है, बेस्ट ऑफ बता दिए हैं, अब आप 50-50 की हेल्प लेके इसमें से एक और एलिमिनेट करा दो एंड द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल कम आउट एट केजुरियाना इक्विसेटिफोलिया। ये हमने जो मेरे साथ बैचेस में कनेक्टेड थे ना लास्ट में, जब हम लोग ने सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस किया था इंपोर्टेंट ट्री स्पीशीज का, तो हमने केजुरियाना इक्विसेटिफोलिया के बारे में भी पढ़ा था। कोस्टल एरियाज में रिफोरेस्ट्रेशन, एफोरेस्ट्रेशन सबसे पहले अगर आपको ट्रीज को ग्रो करने का है तो हम केजुरियाना इक्विसेटिफोलिया का इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग, कब इनेक्ट हुआ था गाइस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट वॉज प्राइमरली फोकस्ड ऑन कि हमें वाइल्ड जो स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कौन से ईयर में ये इनेक्ट हुआ था, इन द ईयर 1975, इन द ईयर 1980, इन द ईयर 1972 या फिर इन द ईयर आपका 1995। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी गाइस, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, यस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1975 में इनेक्ट हुआ था। आइडेंटिफाई द हार्डवुड टिम्बर स्पीशीज, हार्डवुड टिम्बर स्पीशीज कौन सी है गाइस, इनमें से हार्डवुड टिम्बर स्पीशीज इनमें से कौन सी है, इट इज साल, इट इज कॉनिफर, इट इज पॉपुलर, इट इज सेमन। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था, वेरी गुड कुलदीप। ये मतलब पहले कर चुके हैं, अभी जैसे मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं होगा शायद इसको अभी रिवाइज कराना, कोई बात नहीं, जो आपका 26 और 28 को तो लास्ट रिवीजन क्लासेस है उसमें सब कुछ रिवाइज कर लेंगे हम लोग एग्जाम से पहले, जो भी पोर्शन हमारा रहता है ना। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे इस फटाफट से, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी, हार्डवुड टिम्बर स्पीशीज, आई विल टेल यू द डेफिनेशंस ऑल्सो, ठीक है। आपकी जो टिम्बर स्पीशीज है दे आर कैटेगराइज्ड इनटू हार्डवुड एंड द सॉफ्टवुड। तो जनरली द स्पीशीज अगर हम बात कर रहे हैं जो भी आपके मेन ट्री स्पीशीज हैं, ठीक है, जिनके एनुअल रिंग्स आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सैपवुड कंटेंट कम होता है, आपका हार्डवुड कंटेंट ज्यादा होता है, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवुड टिम्बर स्पीशीज। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज योर साल। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है, लेट अस टॉक अबाउट देयर बॉटनिकल नेम। साल का बॉटनिकल नेम होता है आपका शोरिया रोबस्टा, ठीक है। कॉनिफर में स्पेशली हम बात कर लेते हैं पाइन के बारे में, चीर पाइन को लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग पाइन के अलग अलग नाम है, पाइनस रॉक्स बर्गाई, ठीक है, हाँ अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगली बार, इसका मतलब यू आर अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, अगली बार के लिए काफी अच्छे से प्रिपेरेशन हो जाएगा, वही है ना, अपना फोकस रह के प्रिपरेशन करते रहना अपना, और जो तुम्हारा क्या कहते हैं कॉलेज क्लासेस भी गाइस काफी अच्छे से अटेंड करते रहना, ठीक है। हाँ साल इज द राइट आंसर। पॉपुलर जो है जिसको हम कॉटन वुड ट्री भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कॉटन वुड ट्री भी कहते हैं एंड इट इज पॉपुलर स्पीशीज, पॉपुलर स्पीशीज है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेमल के बारे में, तो सेमल का क्या होता है यार, तुम लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में देखा होगा इसका नाम भी, बताओ
नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, मतलब अलग ही दुनिया में होगा। हिंट दे दूं, बॉम्बेक्स अगला वर्ड। यार करना है, इसको हम बोलते हैं कॉटन और ये आपका होता है पॉपुलिस्ट। सेमल है आपका बॉम्बेक्स सेबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सॉफ्ट वुड। अभी हार्डवुड देखा था ना, हार्डवुड में बेसिकली आपके एंजियोस्पर्म के अंदर जो ट्री स्पीशीज होते हैं वो आपके हार्डवुड के अंदर आते हैं। सॉफ्टवुड में आपके वो ट्री स्पीशीज आते हैं जो कि आपका जिम्नोस्पर्म में होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सॉफ्टवुड इज, सॉफ्टवुड में आपके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर बेसिकली आपका जो हमारे क्या कहेंगे उनको हम, परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज होते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम के आपके टाइप्स होते हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल, ट्रैकेट्स एंड वेसल। जाइलम जो आपके परमानेंट टिश्यू है, इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू हायर पार्ट्स ऑफ द, तो इसमें हेल्प करते हैं आपके फोर जाइलम के एलिमेंट्स, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब इनमें बताना है कि सॉफ्टवुड के अंदर यानी कि जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। तो दे हैव ट्रैकेट्स, इनमें ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, दे डू नॉट हैव वेसल्स। ठीक है, अभी इनका इतना पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, बॉम्बे सिवा ने बॉम्बेक्स सिवा, राइट। अगला क्वेश्चन है, पिक द ट्री स्पीशीज बिलोंगिंग टू द फैमिली मायरिटेसी। मायरिटेसी फैमिली से इनमें से कौन सा ट्री स्पीशीज बिलोंग करता है। यस कैलाश, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी, एंड साथ में जितने स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल हैं आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे। ओके, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ताकि आपको आपको रेगुलर क्लासेस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे और रेगुलर क्लासेस में टाइमली आते रहे। तो मायरिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका यूकेलिप्टस टेरिटिकॉर्निस, और यूकेलिप्टस के जो अलग अलग स्पीशीज हैं वो सब आपके मायरिटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवीपी इंडेक्स रेफर टू, व्हाट डू यू मीन बाय सीवीपी इंडेक्स। हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं टू नो अबाउट द ग्रोथ रेट्स, ठीक है, और आपके क्रॉप्स के बारे में। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सीवीपी इंडेक्स टर्म जो है वो आप किसके लिए यूज करते हो, किसको डिफाइन करने के लिए, फटाफट से बताओ। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी, जितने स्टूडेंट्स हैं गाइस सबके सब इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कि सीवीपी स्टैंड्स फॉर क्रॉप वॉल्यूम परसेंट इंडेक्स, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम परसेंट इंडेक्स, क्लाइमेट वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, या फिर क्लाइमेट वॉल्यूम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज क्लाइमेट वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज Climate, Vegetation and Productivity Index. The term provenance means, ठीक है, provenance word का मतलब क्या होता है। provenance word आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, and if we talk about USA or if we talk about other continent, तो हम provenance word का इस्तेमाल करते हैं। even though पहले हमारा यूपी को भी यूनियन प्रोविनेंस कहा जाता था इंडिपेंडेंस से पहले, इतना हिंट भाई, इतना ज्यादा हिंट। तो आपको बताना है प्रोविनेंस वर्ड का मतलब क्या, तो इट इज द ज्योग्राफिकल सोर, ज्योग्राफिकल एरिया को हम प्रोविनेंस बोलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है,
द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, ये आप लोगों ने काफी पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था गाइस. तो हियर द क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट टाइगर आपका कौन से साल में लॉन्च हुआ था? इस क्लाइमेट वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स होता है आपका CVP, ठीक है. प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1973. क्लियर. अगला क्वेश्चन, ए प्लांट विच टेंड्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू कैलकैरियस सॉइल, एक प्लांट जो आपका कैलकैरियस सॉइल में ही रहेगा, कैलकैरियस सॉइल में रिस्ट्रिक्टेड है कि इट लव्स कैलकैरियस सॉइल, विल ग्रो ओनली एंड ओनली इन द कैलकैरियस सॉइल. तो आपको बताना है कि ऐसे प्लांट को क्या कहा जाएगा, इस प्लांट को कैल्सीफाइल कहा जाएगा, कैल्शियम लविंग प्लांट इसको कहा जाएगा, राइट. अगला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल या फिर आपका उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर आपका हिमाचल प्रदेश में. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर आपका हिमाचल प्रदेश में. महेंद्र रावत, सुमन यादव, कुलदीप, अजय, पुनीत, हाँ आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. इट इज इन उत्तराखंड. कब ये आपका बना था? 1937. फिलहाल इसका नाम क्या है? फिलहाल इसका नाम है राम गंगा नेशनल पार्क, लेकिन फिर भी हम अभी भी इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ही जानते हैं, बिकॉज इट इज अ मोस्ट फेमस नेम. इसके अलावा इसका नाम हेले नेशनल पार्क भी था, ठीक है. 1973 नहीं है इसका आंसर, 37 है. अगला क्वेश्चन है, सोशल फॉरेस्ट्री इज अ फॉरेस्ट्री. अब सोशल फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन किसने दी थी? सोशल फॉरेस्ट्री एक टाइप की फॉरेस्ट्री है जिसमें आप प्रोड्यूसिंग फ्लो ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिक्रिएशन बेनिफिट्स फॉर द कम्युनिटी, आप फॉरेस्ट एरिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं सो दैट आप उसको प्रोटेक्ट कर सके एंड जो भी बेनिफिट्स आपको कम्युनिटी के लिए यहाँ से मिल रहे हैं उन बेनिफिट्स को आप ऑब्टेन कर सके. तो ये डेफिनेशन जो है सबसे पहले किसने दी थी? दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय वेस्टोबी, ठीक है. वेस्टोबी ने ये डेफिनेशन सबसे पहले आपका दी थी, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं? कर्नाटक कोस्ट में, आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, कोस्टल एरियाज में केरला के, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके कहाँ पाए जाते हैं? The right answer for the question is, guys, इस question के लिए सही जवाब क्या है? Tropical dry evergreen forest are found in, कहाँ पर पाए जाते हैं? Carnatic coast में, Andaman and Nicobar Islands में, coastal areas में Kerala के, या फिर North East India में. The right answer for the question is, यहाँ पे Carnatic coast में सबसे ज़्यादा dry एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है. शेल्टर बेल्ट्स है, शेल्टर बेल्ट्स में आपका क्या होता है बेसिकली, आपका किस तरह के स्पीशीज होते हैं, क्या मेन इनका ऑब्जेक्टिव होता है? सिंगल ट्री स्पीशीज होते हैं, आपका मल्टीपल ट्री स्पीशीज होते हैं. इनको आप यूज कर सकते हैं विंड को हार्वेस्ट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए सैंड ड्यून फॉर्मेशन को, ठीक है. तो शेल्टर बेल्ट्स है क्या? The right answer for the question number 16th will be, 16th question के लिए आप right answer क्या mark करेंगे guys? कि shelter belts में आपका single नहीं multiple tree species होते हैं. जल्दी से क्या? इसमें आपके multiple tree species होते हैं and they form a triangular structure to protect the, ये आपके wind को arrest भी करेंगे और sand dunes formation को भी prevent करेंगे, ठीक है. शेल्टर बेल्ट्स को आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए लगाते हैं. सॉरी एक सेकेंड,
वही तो मैं बोलूँ कि इसके लिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपसे पूछा था गलत बताओ, तो मतलब मैंने गलत आंसर लगाया तो कोई ये नहीं बता रहा कि मैम अरे आपने स्टेटमेंट गलत रीड किया। यार देखो जिस तरह से मेरे को अभी एक तरह से एकदम से मैंने गलत आंसर कर दिया, ऐसे ही आप लोगों के साथ भी गलती हो सकती है एग्जाम। हाँ रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करना है, वही तो मतलब मेरे दिमाग से निकल गया सिंगल वो वाली चीज। भैया मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई वही वाली चीज कि भैया मेरे दिमाग से निकल गया, क्या बताना था, है ना। तो शेल्टर बेल्ट्स में आपका सिंगल ट्री स्पीशीज नहीं होती है, इनमें आपका मल्टीपल ट्री स्पीशीज होती है जिनका यूज किया जाता है विंड को अरेस्ट करने के लिए, सैंड फॉर्मेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अगला डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज, अगर बिना फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल एंड फीमेल आपका जो गैमेट्स है उनके बिना फ्यूजन के अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज एपोमिक्सिस, इसको एपोमिक्सिस कहा जाता है। राइट गाइस। अगला स्पीशीज सुटेबल फॉर टिम्बर पर्पजेज, इनमें से कौन सी स्पीशीज को आप टिम्बर पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ सिंगल ही गलत है इसका आंसर, सिंगल ठीक है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बोला था, इसमें से भी आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन स्टेरोकार्पस है, टेक्टोना है, डेलवेजिया है, एलेंथस है, किसको आप टिम्बर पर्पजेस के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन डायरेक्टली ये है, तो एलेंथस एक्सेलेसा को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टिम्बर पर्पजेस के लिए। अगला क्वेश्चन है बेसिक सेट ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री, एग्रोफोरेस्ट्री के अंदर मेनली आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स फाउंड होते हैं। गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई कैन गारंटी यू कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे FAFO के एग्जाम में इस साल भी पूछा जा सकता है, बिकॉज एग्रोफोरेस्ट्री से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड दे आर क्वाइट कंफ्यूजिंग इन द ऑप्शंस इवन। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल मी द बेसिक सेट ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री, ऑप्शंस आर मैन सोइल एंड प्लांट, सेकंड इज ट्री सोइल एंड एनिमल्स, थर्ड इज फॉरेस्ट फूड एंड फॉडर, फोर्थ इज ट्री हर्ब्स एंड एनिमल्स। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19, जितने स्टूडेंट्स हैं सबके सब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कुलदीप गलत है आपका आंसर, इसका आंसर देखो ट्री है, हर्ब्स है, एनिमल्स है, ये होगा। एग्रोफोरेस्ट्री में सोइल फैक्टर कहाँ हम ऐसे इंक्लूड करते हैं, ओपनली कहाँ, हम खुले में कहाँ सोइल के बारे में बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज इनोशिएटेड ड्यूरिंग, कब इंडिया की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी इनोशिएटेड और लागू हुई थी, जारी हुई थी हम बोलेंगे तो इट वॉज इन द ईयर 1988। फॉरेस्ट पॉलिसी कहा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नहीं कहा है, दिस वॉज द एक्ट ईयर, इट इज अ पॉलिसी ईयर, पॉलिसी बतानी है, तो लुक एट द क्वेश्चन एंड देन आंसर इट। ओके चलिए गाइज, आई होप आपको आज का लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने काफी ज्यादा अलग अलग और डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। बट बिफोर एंडिंग टुडेज लेक्चर गाइज, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जितने भी आप सभी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं आपने अलग अलग एग्जाम्स को लेकर, AFO एग्जाम को लेकर स्पेशली अगर हम बात करें, तो गाइज आप लोगों के लिए ये आपका कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। दिस इज अ कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो कि 14th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो यू कैन एनरोल इन दिस कंप्लीट फाउंडेशन बैच। 1952 नेशनल इंडिया की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडियन फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी कुछ अलग टर्म कुछ डिफरेंट है 1952 वाला। ठीक है, तो गाइस दिस इज अ कंप्लीट बैच, एक सेकेंड यार, 1952 में तो ये आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच है गाइस, जो कि आप लोगों का 19 यही है आपका इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखो देखो एक बारी, कैलाश चंद्र, ठीक है, 1952 वो स्टिल इन्फ्लुएंस्ड विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन फर्स्ट तो इट वाज इन 1984 1988 सॉरी। ठीक है,
तो एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपका 14th of Feb से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस हु आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर योर एग्जाम विद अस, आप इस कंप्लीट फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं Y344। कहाँ पर आपको L247 की ऐप को इंस्टॉल करना है एंड आपको अपने आप को रजिस्टर करने के बाद इस बैच को सर्च करके सी ऑफर्स में जाकर आपको Y344 कोड यूज करना है जब आप एडमिशन लेंगे, तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ये जो बैच है आपको 12 मंथ्स के लिए 3,219 रुपीस में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस विद अस। विद दैट आज के सेशन को हम करते हैं एंड। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज की क्लास का फॉर्मेट आपको कैसा है।